लाइव हर जुर्म का पर्दा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटीए रिजल्ट जारी होने के बाद से उम्मीदवार लगातार विरोध कर रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोमवार दोपहर अचानक सैकड़ों अभ्यर्थी राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर बैठ गए। कई छात्र ट्रैक पर लेट गए, एक मालगाड़ी रुकी, इससे दीनदयाल उपाध्याय और मोकामा की ओर से आने वाली ट्रेनें इधर उधर फंस गईं। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार ने कहा कि ट्रेनें रद्द होने से यात्री प्रभावित हुए हैं। राजेंद्र नगर यार्ड में ट्रेनों में आग लगाने की कोशिश की गई है। इसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सोमवार शाम को आरपीएफ और पुलिसकर्मियों ने दौड़कर छात्रों को पीटा। पुलिस लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद हड़कंप मच गया। कई छात्रों के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पुलिस वालों ने स्टेशन के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आप लोग का प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या मांग है आप लोगों का? 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी का भर्ती निकाला था, जिसमें करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं और वो 3 साल तक एग्जाम नहीं लिया। इसके लिए ट्यूटर कैंपिंग चलाया गया। ट्यूटर कैंपिंग बच्चों से लेकर हम लोग भाग लिए। उसके बाद ग्रुप डी एग्जाम डेट दिया और अब देने के बाद जब वो क्या किया कि 23 फरवरी से एग्जाम शुरू होना था, लेकिन जब एक मंथ बच गया है तो रेलवे बोर्ड ने ये जारी नोटिस किया है कि हम अब जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम लेंगे। जो पहले एक सीबीटी केवल एक ही एग्जाम होता था, अब CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम लेंगे। अब आप बताइए लोग, कि अगर हम लोग दो एग्जाम आगे नॉर्मल ग्रुप डी के लिए, यानी कि रेलवे में 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी होता है, तो अगर डी के लिए सेक्शन डी यानी कि अंतिम छोर के लिए अगर हम लोग दो एग्जाम देंगे तो कैसे होगा? यही नहीं, इसमें बोला गया था और एक माह पहले, अब ये जो सूचना दे रही है, एक माह पहले सूचना दे रही है, उसमें ये भी बोली थी कि हम जो है 3 गुना रिजल्ट देंगे, अब कह रहा है कि 1 गुना रिजल्ट देंगे। आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 19 में जो अप्लाई हुआ था फॉर्म, उसका अभी एग्जाम 2 सेमेस्टर में लिया जाए, CBT 1 और CBT 2। जब ग्रुप डी के लिए हम CBT 1 और CBT 2 देंगे तो हम ग्रुप डी CB उसके लिए हम क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं CBT 2 हटा दिया जाए और एक ग्रुप डी के नौकरी के लिए, जो ग्रुप डी का एक पटरी का जो काम होता है, जो लेवल ग्रुप डी होता है, तो उसके लिए हम 2 एग्जाम दें सरकार को। सरकार को यह समझना नहीं चाहिए कि ग्रुप डी किस लेवल का एग्जाम है। आप लोग अभी आप लोग ट्रेन घेरने के प्रयास में है, क्या माने इससे? हम लोग को CBT 2 हटाने के और रद्द करने के लिए हम लोग ट्रेन घेरेंगे और उसके बाद में हर एग्जाम के लिए, वो आर्मी हो चाहे रेलवे हो, उसके बाद में NTPC हो, हर चीज के लिए भर्ती के लिए हम लोग रोकेंगे।